अभी इस वक्त देश में वायु प्रदूषण की बात हो रही है, और जब वो बात होती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस शहर का नाम लेते हैं, पूर्वी चंपारण मोतिहारी। टॉप पे चल रहा अभी इसका वायु प्रदूषण, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 तक चला गया। लोग परेशान हैं या लोग हैरान हैं? हैरान परेशान क्यों हैं? क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। हैरान इसलिए है क्योंकि यहाँ कल कारखानों के नाम पे ऐसा कुछ है नहीं। बिहार के मतलब लिस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन में से है, लेकिन इस वक्त मेरे पीछे जो है तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं हाईवे पे खड़ा हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, मैं जरा क्लोज करके दिखाइए कि ये बेसिकली जो शहर का कूड़ा होता है उसको ला कर यहाँ रखा जाता है, इसको जलाया भी जा रहा है। अब इससे क्या नुकसान है नहीं है, ये कोई जो पर्यावरण के ज्ञाता हैं वही लोग बता सकते हैं कि इसका मोतिहारी के AQI के 475 होने में क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं नहीं कुछ कहूँगा, इसको कोई साइंटिस्ट ही इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अगर 10 साल तक ये ऐसे ही चलता रहा तो पहाड़ एक यहाँ कचरे का बन जाएगा, जैसा कि दिल्ली में भी देखा जाता है। तो मेरा बस ये है कि मोतिहारी पूर्वी चंपारण, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया और ये कहा कि वहाँ भी तो वायु प्रदूषण सबसे ऊँचे स्तर पे है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि दिल्ली के आसपास तो इंडस्ट्रीज है, यहाँ कौन सी इंडस्ट्री है? इंडस्ट्री के नाम पे कुछ चिमनी जरूर है, ईंट भट्टा जरूर है, बाकी जैसे कि हमारे एक साथी ने रिपोर्ट की, व्योम पाठक ने, उन्होंने बताया कि पूरा शहर इन दिनों जाम से भरा हुआ है, और जाम के कारण भी एक वायु प्रदूषण का कारण हो सकता है। ये एक बड़ा कारण है जो आप देख रहे हैं, नगर निगम जो अब ये चुकी मोतिहारी नगर निगम बन गया तो ये आ गया है, तो इस वजह से यहाँ वो कचरा जलाया जा रहा है। अब चुकी प्रशासन ने इस पर थोड़ा ध्यान दिया है तो शायद इस वजह से इसको जलाया जा रहा है, लेकिन हम आपको एक और स्टोरी दिखाएंगे, कचरा निस्तारण घर कि इस शहर में एक वो भी बनाया गया था, लेकिन उसकी क्या हालत है वो भी देखिए। और ये बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ से परे है कि आखिर मोतिहारी जैसे शहर में वायु प्रदूषण का स्तर इतना बड़ा क्यों है, कोई नहीं जानता है, कोई इसका ठोस कारण नहीं बता सकता है। बस ये सब चीज़ें हैं, इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि यही कारण है जिसकी वजह से इतना वायु प्रदूषण है, यह भी एक कारण हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, फाइनल पोस्ट का यह सुझाव है कि बिना किसी वैज्ञानिक साइंटिफिक स्टडी के, उसके बिना किसी साइंटिफिक डेटा के आप इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अकेले सिर्फ कचरा हो या अकेले सिर्फ जाम हो या कोई एक और कारण हो, इस वजह से एक ऐसे शहर का AQI 400-450 से ज़्यादा नहीं हो सकता है जहाँ इंडस्ट्रीज ना हो, जहाँ और कोई एक हिडन कॉज ना हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर और बातचीत करें, लोगों से समझने की कोशिश करें कि आखिर समस्या क्या है, समस्या का मूल कारण क्या है, ताकि एक सही समाधान निकल सके, वरना यूं ही हम हवा में लाठी मारते रहेंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट, नमस्कार।